थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटे कि आपकी जिंदगी बर्बाद सी हो जाए तो क्या कभी आप इससे उभर पाओगे? क्या सच में समय के साथ सब ठीक हो जाता है? कुछ ऐसी ही सस्पेंस थ्रिलर कहानी आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक मास्टरमाइंड प्लान जिससे सभी धोखा खा जाते हैं, पर क्या अंत में प्लान सफल होता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज मैं हॉरर मूवी से थोड़ा हटकर सबके फेवरेट जॉनर में से एक साइकोलॉजिकल और सस्पेंस थ्रिलर मूवी साइड इफेक्ट्स एक्सप्लेन करूंगा, जिसे आईएमडीबी पर 7.1 की रेटिंग है और जिनके डायरेक्टर है हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर में से एक स्टीवन सोडरबर्ग, जिन्होंने इससे पहले कई फेमस मूवीज जैसे ओशंस 12 और गर्ल ऑन द थर्ड फ्लोर डायरेक्ट की है। इस मूवी की शुरुआत एक कहानी से होती है और फिर अचानक से दूसरी कहानी की तरफ मुड़ जाती है, जो कि खास बात है इस मूवी की। इंटरवल से पहले की कहानी शायद से थोड़ी स्लो लगे, पर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी बोरिंग है, क्योंकि इसका सस्पेंस थ्रिलर एंडिंग आपको मूवी के आखिरी तक बनाए रखेगा। मूवी के लीडिंग रोल में है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू मूवी की ऑस्कर विनर एक्ट्रेस रूनी मेरा एस एमिली टाइलर, जिनकी परफॉर्मेंस मूवी में एक्सेलेंट रही। चैनिंग टॉटम एज मार्टिन टेलर, कैथरीन जेटाजोन्स एज डॉक्टर विक्टोरिया सीबर्ट, जूड लॉ एज डॉक्टर जोनाथन बैंक्स और जॉन, और वेनेसा शॉ एज डियर बैंक्स। मूवी के सस्पेंस प्लॉट को समझने के लिए आपको इनके कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड के बारे में ठीक से समझना होगा, जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के बैकग्राउंड से। मार्टिन टेलर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है जिसे एमिली से प्यार हो जाता है और दोनों सून शादी कर लेते हैं। पर शादी के ठीक बाद इनसाइडर ट्रेडिंग के धांधली में मार्टिन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे 4 साल की जेल हो जाती है। दरअसल इनसाइडर ट्रेडिंग वो इलीगल एक्ट है जहां किसी इंसान के पास किसी कंपनी या मार्केट से संबंधी ऐसी जानकारी हो जो अन्य पब्लिक के पास ना हो और जिसकी मदद से वो काफी पैसे कमा सकता है। एमिली ग्रीनविच कैनेडिकेट से पली बड़ी होती है, जिसे कभी अपने पिता से प्यार नहीं मिला और इस तरह ज्यादा करके उसका बचपन अकेले गुजरा। एमिली को स्कूल से पेंटिंग में बहुत शौक था और इसीलिए बड़े होने पर ग्राफिक डिजाइन का कोर्स करती है। अपनी स्कूल फी के लिए एज अ पार्ट टाइम बारटेंडर का काम करती है, जहां उसकी मुलाकात मार्टिन से हुई और जिसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और फिर दोनों एक आलीशान जिंदगी बिताने लगते हैं। पर यह खुशी एमिली के लिए ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। मार्टिन के अरेस्ट होने के बाद उसकी जिंदगी जैसे बर्बाद सी हो गई। उसका घर और बाकी संपत्ति जब्त कर लिया गया और वो पूरी तरह कंगाल, चिंता और डिप्रेशन में चली जाती है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज भी हो जाता है। अपने परिस्थिति को संभालने के लिए वो कुछ साल बाद काम के लिए न्यूयॉर्क मूव हो जाती है, पर शुरुआत में उसे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं होता उसके पति के बैकग्राउंड की वजह से। पर आखिरकार एक दयालु बॉस उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लेती है, क्योंकि वो उसके डिप्रेशन को समझ सकती है। वो भी अपनी जिंदगी में एक बार डिप्रेशन से गुजर चुकी होती है। डॉक्टर विक्टोरिया का बैकग्राउंड ये है कि वो एमिली की साइकियाट्रिस्ट थी जब तक एमिली ग्रीनविच में थी। डॉक्टर विक्टोरिया की पर्सनल जिंदगी भी कुछ अच्छी नहीं रही, क्योंकि उसके पति ने एक जवान लड़की से सीक्रेटली शादी करके उसे धोखा देकर छोड़ दिया। डॉक्टर जॉन का पास भी कुछ अच्छा नहीं रहा। वो एक ब्रिटिश साइकियाट्रिस्ट है और जब वो ब्रिटेन में थे तब उनकी एक डिप्रेस्ड पेशेंट एलिसन फिन उनके पीछे पागल हो जाती है और उनका पीछा करने लगती है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती और ड्रग्स भी लेती है, पर एक दिन वो सुसाइड कर लेती है और अपने सुसाइड नोट पर जॉन का नाम लिख जाती है, जिसकी वजह से एलिसन के पेरेंट्स जॉन को गुनहगार ठहराते हैं। जॉन सून न्यूयॉर्क मूव हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ब्रिटेन में जो लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं उन्हें पागल समझा जाता है, वहीं अमेरिका जैसे शहर में इसे एक इलाज समझा जाता है। वो अब न्यूयॉर्क में अपनी वाइफ और बेटे के साथ लग्जरियस घर में रहते हैं और उनके परिवार में सिर्फ वो ही कमाने वाले होते हैं, क्योंकि उनके वाइफ का जॉब छूट गया होता है और उनकी वाइफ नए जॉब के तलाश में होती है। मूवी शुरू होती है एक घर से जो किसी कारण से खून से लथपथ है और फिर कैमरा खून को फॉलो करते हुए मूवी 3 महीने पहले की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ अब एमिली मार्टिन को आखिरी बार जेल विजिट करती है, क्योंकि अगले दिन मार्टिन की जेल के 4 साल पूरे होने वाले होते हैं और वो रिहा होने वाला होता है। इतना सब सहने के बावजूद अब भी एमिली मार्टिन का साथ नहीं छोड़ती। दोनों अपने लाइफ को फिर से संभालने का तय करते हैं। अपने बॉस से छुट्टी लेने के बाद एमिली अगले दिन अपने मदर इन लॉ के साथ मार्टिन को रिसीव करती है और दोनों मार्टिन से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं।
पर कहीं ना कहीं एमिली अब भी डिप्रेस दिखाई देती है। वो अब भी उस सदमे से निकली नहीं होती, इसीलिए सालों बाद मार्टिन के साथ सेक्स के दौरान भी उसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट या एक्साइटमेंट दिखाई नहीं देता। दोनों अब एक मिडिल क्लास घर में रहते हैं, पर मार्टिन के पास कुछ प्लान्स होते हैं अपनी जिंदगी को फिर से सुधारने के लिए। वो जेल में मिले कैदी दोस्त मार्शल हेलमैन के कनेक्शन के मदद से दुबई में जॉब करने वाला होता है, पर एमिली को मार्टिन के बातों में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं आता और बस हाँ और ना में जवाब देती है। एमिली अब भी उसी माइंड स्टेट में ऑफिस के लिए निकलती है और अनजाने में अपना सामान गिरा देती है, जिसे उठाने में एक नजदीकी खड़ा गराज अटेंडेंट मदद करता है। अपने कार में बैठने के बाद उसे कुछ होश आ जाता है और अपना सीट बेल्ट बांधने के बाद अपनी कार को फुल स्पीड में दीवार से जाकर टकरा देती है। जैसे उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसने अब फाइनली अपनी जिंदगी से हार मान गई है और अपना डिप्रेशन और नहीं सह सकती, इसीलिए सुसाइड अटेम्प्ट करती है। पर एमिली सीट बेल्ट की मदद से बच जाती है और उसे कोई गहरी चोट नहीं लगती। हॉस्पिटल में डॉक्टर जोनाथन उसे अटेंड करते हैं और उन्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था, क्योंकि कार के टायर्स के ब्रेक की वजह से जमीन पर घिसटने की कोई निशान नहीं मिले, मतलब एमिली ने ब्रेक्स कभी अप्लाई ही नहीं किया। उन्हें समझ आता है कि एमिली किसी डिप्रेशन से गुजर रही है और इसीलिए उसे हॉस्पिटल एडमिट होने का सुझाव देते हैं, इससे पहले कि वो फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करे। पर वो बहाना बनाकर इनकार कर देती है, पर वो वादा करती है कि वो उनके क्लिनिक हर हफ्ते विजिट करने को तैयार है साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए। वो एडमिट नहीं हो सकती क्योंकि उसके घर में कमाने वाली सिर्फ वो है, उसके हस्बैंड अब भी जॉबलेस है। एमिली को जानने के बाद जॉन को उसके लिए बहुत सहानुभूति बनती है और उसका ट्रीटमेंट अपने खर्चे पर करने का तय करता है। जॉन से मार्टिन और एमिली के मदर इन लॉ को पता चलने पर उन्हें हैरानी होती है, उन्हें उसके डिप्रेशन के बारे में कोई इल्म नहीं होता। जॉन एमिली को जाने देता है पर उसे डिप्रेशन से रिलेटेड एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जो एमिली के मस्तिष्क को ये बताने से रोकेगा कि एमिली दुखी है और इस तरह वो डिप्रेस नहीं रहेगी। उस घटना के बाद एमिली सीधे ऑफिस जाती है जहां उस मेडिसिन की वजह से उसे वॉमिटिंग के साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, जो उसकी बॉस देख लेती है और उसे वो मेडिसिन ना लेने को कहती है क्योंकि उसे भी कभी इस मेडिसिन की वजह से साइड इफेक्ट्स हुए थे, और एमिली को दूसरा सेलेक्सा का सुझाव देती है। एज प्रोमिस्ड एमिली साइकियाट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए जॉन के क्लिनिक जाती है जहाँ वो अपने बचपन और शादी के बारे में जानकारी शेयर करती है, और जॉन को ये भी पता चलता है कि इससे पहले उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर विक्टोरिया कर रही थी। एमिली के डिप्रेशन और उसके पिछले ट्रीटमेंट को और समझने के लिए वो डॉक्टर विक्टोरिया से मिलने ग्रीनविच जाता है। डॉक्टर विक्टोरिया से मिलने पर उसे एमिली के डिप्रेशन के कारण का पता चलता है। वो ये भी बताती है कि उसने कई ड्रग्स जैसे वेलबुरिटिन, प्रोजैक, एफेक्सर प्रिस्क्राइब किए पर एमिली पर असर नहीं हुआ। वो उसे मार्केट में आई न्यू मेडिसिन एब्लिक्सा का सुझाव देती है और अपने बातों के दौरान काफी बार इसका जिक्र करती है जॉन को प्रिस्क्राइब करने के लिए, पर जॉन अपने हिसाब से न्यू मेड जोलोसॉफ्ट एमिली को प्रिस्क्राइब करता है। उसी दिन मार्टिन एमिली को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट ले जाता है जिसके टिकट्स उसके पुराने दोस्त कार्ल ने भेंट दिया होता है, जो कि मार्टिन की माने तो वही है जिसने उसके इनसाइडर ट्रेडिंग पुलिस को रिपोर्ट किया और अब उसे बुरा लग रहा है, इसीलिए उसने उसे ये महंगे म्यूजिक कॉन्सर्ट टिकट्स दिए। मार्टिन कार्ल को बताता है कि वो अब सब भूल चुका है और उसके हिसाब से जो हुआ वो बस एक कॉर्पोरेट कल्चर था। एमिली किसी तरह अपने आप को संभालते हुए इस इनविटेशन में मार्टिन के साथ आती है, पर उसे प्रिस्क्राइब किया हुआ नया मेड जोलोसॉफ से भी उसका डिप्रेशन कम नहीं होता और उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देखकर कैला उसे उसने ट्राई किया मेड एफेक्सर को ट्राई करने का सुझाव देती है। अंत में एमिली की हालत और खराब होने पर मार्टिन उसे घर ले जाता है। कुछ दिनों बाद एमिली अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर एब्लिक्सा का एक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर देखते दौरान ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। वो अब भी बहुत बेचैन होती है और नजदीक तैनात पुलिस ऑफिसर की तरफ देखने के बाद ट्रेन की तरफ कूदने के लिए बढ़ती है, पर पुलिस ऑफिसर को उसके इरादे की भनक लग जाती है और एन मौके पर वो उसे पहले ही रोक लेता है। एमिली को लगने लगता है कि जॉन के प्रिस्क्राइब न्यू मेड्स भी काम नहीं कर रहे और इसीलिए तुरंत जॉन से मिलने जाती है। जॉन के ऑफिस में ना मिलने पर उसे एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है जहां वो जॉन से काफी देर तक अपने डिप्रेशन के बारे में बात करती है। वो जॉन को ये भी बताती है कि वो डिप्रेशन से दिमाग को भटकाने के लिए खुद शॉपिंग भी की पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो उसे एब्लिक्सा प्रिस्क्राइब करने को रिक्वेस्ट करती है। दरअसल अमेरिका और अन्य यूरोप देशों में अपने आप से आप कोई भी मेडिसिन नहीं खरीद सकते, उसका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से होना चाहिए, और इसीलिए वो जॉन को रिक्वेस्ट करती है एब्लिक्सा प्रिस्क्राइब करने के लिए क्योंकि उसके एक ऑफिस फ्रेंड जूलिया के अनुसार ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। जॉन यहाँ अब भी दिमाग से नहीं सोचता, एमिली को हॉस्पिटल एडमिट करने के बजाय इस डर में कि वो फिर से सुसाइड अटेम्प्ट ना करे उसे फाइनली एब्लिक्सा प्रिस्क्राइब कर देता है।
एब्लिक्सा के डोज से एमिली को अच्छा फील होने लगता है। वो फाइनली मार्टिन के प्रति इमोशनल अटैचमेंट महसूस करने लगती है। उसका डिप्रेशन गायब सा हो जाता है। दोनों अब घूमते फिरते हैं और दोनों में सेक्स भी इस बार वन साइडेड नहीं होता। वहीं जॉन को एक कंपनी की तरफ से उनके ड्रग रिसर्च के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो कि जॉन के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है और जिससे उसे काफी पैसे मिलने वाले होते हैं। पर बाद में एमिली को एब्लिक्सा का साइड इफेक्ट होने लगता है। इससे उसे स्लीप वॉकिंग होने लगती है। वो रात में अचानक से लाउड म्यूजिक में कुकिंग करने लगती है और अगली सुबह उसके बारे में उसे कुछ याद नहीं रहता। मार्टिन एमिली के इस हालत से परेशान, वो जॉन को दूसरा ट्रीटमेंट का रिक्वेस्ट करता है, पर एमिली साफ मना कर देती है क्योंकि अब वो कम से कम डिप्रेस नहीं रहती और सभी काम कर पाती है। जॉन उसे फिर भी न्यू मेट का सजेशन देता है, पर वो साफ मना कर देती है और अपने दर्द को एक पोएम के तौर पर समझाती है। अल्टीमेटली जॉन एमिली को एब्लिक्सा के साथ एक और न्यू मेट प्रिस्क्राइब करता है, जो एमिली के स्लीप वॉकिंग को रोक सकता है। यानी कि एब्लिक्सा से उसे डिप्रेशन नहीं होगा और वहीं दूसरे मेडिसिन से उसे स्लीप वॉकिंग नहीं होगा। वहीं एमिली अब दोनों मेड के डोज में उसे मार्टिन से खबर मिलती है कि दोनों सून ह्यूस्टन शिफ्ट होने वाले हैं सुपरमार्केट बिजनेस के लिए मार्शल हेलमेन के कनेक्शन के मदद से, जो एमिली को पसंद नहीं आता क्योंकि दोनों ने पहले तय किया था अपने होम टाउन ग्रीन बीच शिफ्ट होने का। एमिली इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और उसका डिप्रेशन और भी बढ़ जाता है। इतना कि अगली बार ऑफिस जाते समय ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त उसका ध्यान भटक जाता है और वो कहीं दूर निकल जाती है। यहीं दूर निकलने पर उसे अपने मार्टिन के लिए एक गिफ्ट सूझता है, जो उसके लिए खरीदती है। एमिली करीब करीब ऑफिस 4 बजे पहुंचती है और उसकी बॉस ये देखकर उसे आराम करने का सुझाव देती है। वो अब भी परेशान रहती है, इसलिए मेड्स लेने के बाद सीधे बेड पर पड़ जाती है। बाद में मार्टिन घर आता है और उसे फिर से टेबल खाने से सजा हुआ मिलता है, यानी कि एमिली फिर से स्लीप वॉकिंग में कुकिंग कर रही है। वो एमिली को काफी देर तक पुकारता है, पर क्योंकि वो स्लीप वॉकिंग में है, उसे होश नहीं रहता कि वो क्या कर रही है और मार्टिन को जवाब नहीं देती। अब यहाँ मूवी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। एमिली किचन में बिना किसी होश के सब्जी काटते वक्त जब जॉन उसके नजदीक आता है, तो वो अचानक से बिना कुछ बोले मार्टिन पर चाकू से हमला करने लगती है और बार बार उस पर वार करती है जब तक उसकी सांस नहीं रुक जाती। मार्टिन दर्द में एमिली को मदद के लिए कॉल करने को कहता रह जाता है, पर एमिली अब भी होश में नहीं रहती और बस उसे मरता देखती रहती है। और फिर बाद में एमिली फिर से सोने चली जाती है। अगले दिन एमिली को कुछ याद नहीं रहता और तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस एमिली के बाद जॉन से पूछताछ करती है और उसे बताते हैं कि मरने से पहले एमिली ने 3 लोगों के लिए टेबल सेट किया था, पर जॉन साफ इनकार कर देता है कि वो कभी वहां गया था। बाद में जॉन को लगता है कि एमिली को स्लीप वॉकिंग की बीमारी है। हो सकता है कि उसने ये सब स्लीप वॉकिंग में अनजाने में किया और इसीलिए उसे अब कुछ याद नहीं। जॉन पुलिस से एमिली के बारे में और जानकारी शेयर नहीं करता क्योंकि अमेरिका में डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत पेशेंट की जानकारी किसी और से शेयर करना अपराध है, फिर चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। पर अंत में पुलिस उसे आगाह करता है कि अगर उसने उनका साथ नहीं दिया तो एमिली कातिल साबित होगी, या तो वो मुजरिम ठहराया जाएगा क्योंकि उसने एमिली का इलाज में लापरवाही बरती, पर दोनों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। जॉन ने पहले भी पुलिस की मदद कर चुका था, पर इस बार एमिली के केस में वो मदद नहीं करता, खास करके क्योंकि उसे एमिली के लिए चिंता होती है और उसे जेल जाते नहीं देख सकता। वहीं उसकी मुलाकात एमिली के लॉयर से होती है, जिसे हायर मार्टिन की माँ खुद करती है क्योंकि उनके हिसाब से एमिली मासूम है, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। एमिली की लॉयर जॉन को समझाती है कि उसके गवाही से वो ये केस जीत सकती है क्योंकि इसके पहले भी कई स्लीप वॉकिंग के केसेस में अपराधी को बरी कर दिया गया। जॉन को अपने गवाही में कोर्ट को ये यकीन दिलाना है कि स्लीप वॉकिंग में इंसान को कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता, यानी कि वो होश में नहीं होता और उसे नहीं पता होता है कि वो आखिर में क्या कर रहा है। एमिली भी उसी का शिकार है और उसके पास कोई कारण नहीं है अपने पति को मारने का। एक तरह से जॉन खुद को फंसा पाता है, या तो वो पुलिस की मदद करे और या तो वो एमिली के लॉयर की मदद करे। उसे लगने लगता है कि उसने सच में लापरवाही की और इसीलिए आज एमिली की ऐसी हालत है, पर डॉक्टर विक्टोरिया उसे समझाती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। वहीं मार्टिन की मॉम एमिली से मिलती है, जो कि एमिली के बातों पर यकीन करती है कि ये सब अनजाने में हुआ। एमिली को लगता है कि एब्लिक्सा मेडिसिन के वजह से आज वो इस परिस्थिति में है और वो नहीं चाहती कि ऐसा किसी और के साथ हो, और इसीलिए वो मार्टिन के मॉम को एक चिट्ठी देती है न्यूज रिपोर्टर तक पहुंचाने के लिए। उस नोट में लोगों को एब्लिक्सा मेडिसिन से दूर रहने के बारे में लिखा होता है और सून हर न्यूज में एमिली और एब्लिक्सा के साइड इफेक्ट्स की न्यूज फैल जाते हैं, जिसके कारण जॉन का नाम भी इसमें घसीटा जाता है क्योंकि वो एमिली का डॉक्टर था जिसने उसे एब्लिक्सा प्रिस्क्राइब किया।
इस घटना के बाद जॉन परेशान और डिप्रेस रहने लगता है। उसके दूसरे पेशेंट्स को भी अब उसके ट्रीटमेंट पर भरोसा नहीं रहता। न्यूज रिपोर्टर्स भी अब उसकी कंपनी के मेंबर्स से उसके बारे में सवाल करने लगते हैं। जॉन पर मेडिकल ऑफिसर द्वारा उसके मेडिकल प्रैक्टिसेस पर इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये परिणाम निकालते हैं कि एक्स्ट्रा शिफ्ट और एक्स्ट्रा काम करने की वजह से उसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। पर जॉन अपने बचाव में बताता है कि वो एक्स्ट्रा काम और शिफ्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने नया घर लिया है, बच्चे की महंगी प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई और उसकी बीवी जॉबलेस होने के कारण घर का सारा भार उस पर था। पर ऑफिसर के अनुसार एमिली के पहले सुसाइड अटेम्प्ट के बाद ही उसे एमिली को एडमिट कर देना चाहिए था। वो ये भी आरोप लगाता है कि एमिली एक खूबसूरत लड़की होने के कारण उसने इतनी लापरवाही बरती। वहीं एमिली के पास एक ही रास्ता होता है छूटने का, और वो ये कि उसे कोर्ट के सामने मानना होगा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो आगे ट्रीटमेंट के लिए तैयार है। कोर्ट में पुलिस ऑफिसर जिसने एमिली को ट्रेन के नीचे कूदने से बचाया था और पार्किंग अटेंडेंट जिसने एमिली को एक्सीडेंट के पहले देखा था, गवाही देते हैं कि एमिली सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले बहुत परेशान लग रही थी और जॉन के मेडिकल बेसिस की गवाही पर कोर्ट एमिली को NGRI के आधार पर रिहा कर देती है और एमिली को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भर्ती किया जाता है। केस के खराब पब्लिसिटी की वजह से जॉन का नाम और भी खराब हो जाता है। उसकी कंपनी के मेंबर्स पर सवाल उठने लगता है और इसीलिए उसकी कंपनी उसे कंपनी से टेम्परली निकाल देती है। इतना ही नहीं, जिस दूसरी कंपनी से उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जॉन से तोड़ देती है। एलिसन फिल्म के बारे में बड़ा चढ़ा कि मीडिया में न्यूज फैल जाती है कि जॉन का एलिसन के साथ शादी से पहले गैर रिश्ता था और वहाँ भी उसने ऐसी ही लापरवाही बरती और जॉन की वाइफ का भी उस पर से भरोसा उठने लगता है। जॉन अब अपने सबसे बुरे हालत में होता है, कमजोर और फाइनेंशियली डैमेज। उसे अपना महंगा घर छोड़ना पड़ता है। उसी दौरान पैकिंग करते वक्त उसकी नजर एब्लिक्सा के मैगजीन पर पड़ती है और फिर उसके बारे में रिसर्च करने लगता है। ऑनलाइन रिसर्च करने के बाद उसे एक आर्टिकल मिलता है और फिर यहाँ से मूवी का ट्विस्टिंग प्लॉट रिवील होना शुरू होने लगता है। जॉन को ऑनलाइन किसी साइट पर डॉक्टर विक्टोरिया का एब्लिक्सा के साइड इफेक्ट पर स्लीप वॉकिंग का एक आर्टिकल मिलता है। जॉन को समझ नहीं आता कि अगर उसे इस साइड इफेक्ट के बारे में पता था तो उसने उसे एमिली को एब्लिक्सा प्रिस्क्राइब करने के सुझाव देने के वक्त क्यों नहीं बताया। उसने उसे बाकी सभी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में बताया पर इसके बारे में क्यों नहीं आगाह किया। जॉन डॉक्टर विक्टोरिया से समझने के लिए उससे मिलता है पर वो उसके इस टॉपिक को टाल देती है। पर उसे उससे बातों के दौरान ये भी पता चलता है कि डॉक्टर विक्टोरिया को किसी तरह ये भी पता है कि एमिली ने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, जो कि सिर्फ एमिली, उसे और उसके पति के अलावा किसी और को पता नहीं होनी चाहिए। पर डॉक्टर विक्टोरिया ये बहाना करती है कि ये जानकारी पूरे न्यूज में है, इसीलिए उसे क्या, पूरी जनता को इसके बारे में पता है। पर यहाँ से जॉन को अब कुछ दाल में काला लगने लगता है और फिर शुरुआत से लेकर सभी चीजों की जांच करने का तय करता है। जॉन तुरंत उसी पार्किंग अटेंडेंट से मिलता है जिसने एमिली को कार एक्सीडेंट से पहले देखा था। उसे उससे एक जरूरी जानकारी मिलती है कि एमिली कार को दीवार से टकराने से पहले अपना सीट बेल्ट लगाना नहीं भूली। उसे समझ नहीं आता कि जिसे सुसाइड करना हो वो सीट बेल्ट भला क्यों लगाएगा। अब उसका शक और भी मजबूत हो जाता है और तय करता है इसकी पूरी जांच करने के लिए। वो एलिसन फिन के बाद अपने सिर पर एक और इल्जाम नहीं लगने दे सकता और इसीलिए एमिली के बॉस के पास किसी भी क्लू के लिए मिलने जाता है, जहां बातों बातों में एमिली की बॉस वही पोयम दोहराती है जो एमिली ने कभी उसके साथ शेयर की थी। एमिली के बॉस से पता चलता है कि ये पोयम किसी नॉवेल से आया है जो एमिली की बॉस पढ़ रही थी, यानी कि शायद से एमिली ने पोयम उसके बॉस से सीखा है जबकि उसने उसे बताया था कि ये उसके दिल से निकले शब्द हैं। वहीं एमिली के ऑफिस के बिल्डिंग से निकलते वक्त उसकी नजर सेफ्टी सीट बेल्ट कंपनी के एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है और फिर तुरंत उसे एक बात याद आती है कि एमिली ने उसे एक बार उसके फ्रेंड जूलिया के बारे में बताया था कि जो उसके ऑफिस में साथ काम करती थी और जिसने उसे एब्लिक्सा का सुझाव दिया था। जूलिया की पुष्टि करने के लिए वो तुरंत उसके ऑफिस रिटर्न जाता है पर उसे कोई भी जूलिया के नाम से नहीं मिलता। यानी कि यहाँ जॉन को अब दो चीज साफ होती है, पहले कि वो सीट बेल्ट का एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद ही एमिली ने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट किया क्योंकि उसे पता था कि वो सीट बेल्ट के कारण बच जाएगी, और उसने उसे झूठ कहा कि जूलिया उसके ऑफिस में काम करती थी ताकि उसे जॉन एब्लिक्सा प्रिस्क्राइब करे। ये कंफर्म करने के लिए वो एमिली से मेंटल हॉस्पिटल मिलता है पर उसे भनक नहीं लगने देता कि उसे उस पर शक है। सबसे पहले उसका ध्यान इस पर जाता है कि एमिली अचानक से बिना किसी मेडिसिन के अच्छा महसूस करने लगी है। एमिली उसे इशारे में बताती है कि वो अब ठीक है और अब वो यहाँ से निकलने को तैयार है। दरअसल एमिली तभी हॉस्पिटल से रिलीज हो सकती है जब जॉन कोर्ट को कंफर्म करे कि वो अब बिल्कुल ठीक है।
जॉन घुमा फिरा के एमिली से पूछता है कि आखिर उसने वो पोयम की लाइंस कहां से सीखे। वो उसे झूठ बताती है कि ये उसने खुद महसूस करके बनाया था जब वो मार्टिन के साथ सेलिंग पर गई थी जहां उसने समुद्र के बीच फॉग देखा था। वो उसे जूलिया के बारे में भी पूछता है पर वो बताती है कि वो उससे कई समय से नहीं मिली जब से वो डिप्रेशन में चली गई और वो उसकी दोस्त बार में काम करने से बनी। अब जॉन को पूरा पक्का हो जाता है कि सच में वो एक्टिंग कर रही है। पहले उसका कहना था कि जूलिया उसकी फ्रेंड ऑफिस से है और आखिरी बार उसने उसे एब्लिक्सा के लिए सुझाव दिया था, पर वहीं अब उसका कहना है कि वो उसकी फ्रेंड बार में काम करने के समय से बनी और काफी सालों से उससे उसकी बात नहीं हुई। जॉन को अपने जांच में एक और जरूरी सबूत मिलता है कि जब एब्लिक्सा के साइड इफेक्ट्स का न्यूज मीडिया में छपा था तब एब्लिक्सा के स्टॉक मार्केट के शेयर एकदम से गिर गए थे और वहीं दूसरे मेडिकल कंपनीज के स्टॉक को फायदा हुआ, यानी कि ये सोचा समझा प्लान हो सकता है। पर जॉन अपने इन्वेस्टिगेशन में इतना खो जाता है कि अपने बेटे को स्कूल से पिकअप करना भूल जाता है। उसकी वाइफ उसके इन्वेस्टिगेशन से तंग आ चुकी होती है और उसे विनती करती है कि वो सब भूल जाए और नई शुरुआत करे, पर उस पर खुद को बेगुनाह साबित करने का जुनून सवार होता है और इसी कारण उसका रिश्ता अपने वाइफ से कमजोर पड़ने लगता है। जॉन समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास ठोस सबूत है कि ये सब एमिली का प्लान था, पर वो उसके बात पर यकीन नहीं करती। जॉन एमिली से सब उगलवाने का प्लान बनाता है और एक बार और उससे मिलता है। वो एमिली को बताता है कि उसे हॉस्पिटल से रिलीज होने के लिए कंफर्म करना जरूरी है कि वो सही में ठीक हो गई है, यहाँ से निकलने के लिए झूठ नहीं बोल रही। इसीलिए वो उसके बॉडी में एक ट्रूथ सीरम एमिटल इंजेक्ट करेगा जिसकी वजह से उसे हल्की मदहोशी सा फील होगा, पर उसे जो भी सवाल किया जाएगा वो सब सच में जवाब देगी जो जॉन रिकॉर्ड करेगा। पर वो इस बात से अनजान है कि इन रियलिटी में जॉन उसे सिर्फ एक नमक का पानी इंजेक्ट करता है, यानी कि वो बस उसे टेस्ट कर रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। एमिली शुरुआत में हिचकिचाती है पर अंत में उसे मानना पड़ता है और वो उसके जाल में फंस जाती है। इंजेक्शन लगाते ही एमिली मदहोश होने का एक्टिंग करने लगती है जबकि जॉन ने उसे कुछ भी ऐसा इंजेक्ट नहीं किया। जॉन के कुछ साधारण सवाल करने के बाद एमिली सो जाने का एक्टिंग करने लगती है। इससे अब जॉन को कंफर्म हो जाता है कि एमिली अब तक डिप्रेशन का एक्टिंग कर रही थी। वो सीधे उसी डिस्ट्रिक्ट वकील के पास जाता है जिसने एमिली के विरुद्ध केस लड़ा था ताकि केस को रीओपन किया जा सके, पर वो उसकी इसमें मदद नहीं कर सकता क्योंकि यूएस के लॉ के हिसाब से अगर किसी को किसी इल्जाम से बाइज्जत बरी किया गया है तो उसी इल्जाम पर उस पर फिर से केस नहीं किया जा सकता। जॉन उससे बहुत विनती करता है पर वो उसे याद दिलाता है कि अल्टीमेटली गलती उसकी है क्योंकि उसने उसके फेक डिप्रेशन को पहले नहीं समझा और जिसकी वजह से मार्टिन को अपनी जान गंवानी पड़ी और वहीं वो खुद भी फेल हो गया क्योंकि उसने एमिली को जेल नहीं भेज सका। वो भी उसे सुझाव देता है कि ये सब पीछे छोड़ने का और अपनी आगे लाइफ कंटिन्यू करने का। कोई और चारा ना दिखने पर वो सुझाव स्वीकार कर लेता है और एमिली को एक आखिरी गुड बाय के लिए हॉस्पिटल जाता है, पर उसकी नजर हॉस्पिटल के रजिस्ट्री पर पड़ती है जहां उसे डॉक्टर विक्टोरिया का विजिट एंट्री दिखाई देता है। इसका मतलब विक्टोरिया एमिली से मिलने हॉस्पिटल आई थी, यानी कि शायद से वो भी इन सब में शामिल है। जॉन विक्टोरिया को विजिट करता है और उसे इशारों इशारों में आगाह करता है कि उसे सब पता चल गया है और जल्द ही वो उनका पर्दाफाश करने वाला है। विक्टोरिया जॉन की धमकी को समझ जाती है और फिर घर पहुंचने पर जॉन को एक बड़ा शॉक मिलता है। दरअसल जब जॉन एमिली से ये सब होने से पहले रेस्टोरेंट में मिला था तब विक्टोरिया ने उनके गलत तरीके से पिक्चर्स ले लिए थे। एमिली ने जो शॉपिंग के नाम पर जॉन को गिफ्ट बैग दिखाया था उसमें एक्चुअली में लॉन्जरी थे। विक्टोरिया एमिली के इंटीमेट पिक्चर्स लेकर ये साबित करती कि जॉन का एमिली के साथ गैर संबंध था और ये लॉन्जरी उसने उसे गिफ्ट किया। पर एक तरह से विक्टोरिया के लिए जॉन का शक कंफर्म हो जाता है, मतलब सच में वो भी एमिली के साथ इसमें शामिल है, पर वहीं दूसरी तरफ इसके कारण उसकी वाइफ का उससे विश्वास पूरी तरह से टूट जाता है और उसे छोड़कर चली जाती है। क्योंकि अब जॉन को सब पता होता है विक्टोरिया जॉन से मिलने का प्लान बनाती है। विक्टोरिया जॉन से मिलने पर उसे धमकी देती है कि यदि उसने इसमें अपना टांग अड़ाना नहीं बंद किया तो वो ये पिक्चर्स को मीडिया में फैला देगी जिससे उसकी जिंदगी और भी खराब हो जाएगी और उसका साइकियाट्रिक का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। पर जॉन अपना खुद एक पैतरा अपनाता है। वो विक्टोरिया को झूठ में डराता है कि एमिली ने उसे ट्रूथ सीरम के डोज में उसे उनके प्लान के बारे में सब बता दिया है और उसके लिए यही सही होगा कि वो जल्द ही शहर छोड़कर भाग जाए क्योंकि जल्द ही पुलिस उसके पीछे लगने वाली है। जॉन अब एक फाइनल मास्टर प्लान बनाता है। वो जानबूझकर विक्टोरिया के साथ हॉस्पिटल में मिलने का प्लान बनाता है ताकि जब वो विक्टोरिया से बात कर रहा हो तब एमिली उन्हें देख सके। इस मीटिंग से पहले वो एमिली से मिलता है और उसे भी वही झूठ बताता है कि विक्टोरिया ने उसे सब सच बता दिया है।
क्योंकि उसे एमिली एक डिप्रेस लड़की पर विश्वास नहीं कि वो अपना सच कब तक छिपा कर रखेगी, और सच को गुप्त रखने के लिए उसे विक्टोरिया से काफी पैसे भी मिलते हैं, जो शायद से उसका हिस्सा था जो उसे हॉस्पिटल से निकलने पर मिलने वाला था। इतना ही नहीं, विक्टोरिया के कहने पर वो उसे सच में पागल बनाने के लिए शॉक ट्रीटमेंट देने का प्लान कर रहे हैं। एमिली जॉन के बातों की सच्चाई जानने के लिए विक्टोरिया को मिलने या उससे फोन करने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए जॉन ने पहले ही लीगल टर्म्स पर हॉस्पिटल स्टाफ को सख्त वार्न किया था कि एमिली को किसी से भी मिलने ना दिया जाए और ना ही फोन करने दिया जाए उसके बिना परमिशन के, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो दूसरे के लिए जानलेवा है। एमिली अब पूरी तरह से डर जाती है। विक्टोरिया और जॉन को हॉस्पिटल में साथ देख उसे जॉन की बातों पर यकीन होने लगता है कि जॉन और विक्टोरिया उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन जानबूझकर विक्टोरिया के साथ ऐसे पेश आता है जैसे दोनों अब बिजनेस पार्टनर हैं। वो जानबूझकर अपने साथ एक बड़ा सूटकेस भी लाता है जिससे एमिली को ऐसा दिखाई दे कि विक्टोरिया ने उसे पैसे दिए। एमिली अब खुद को पूरी तरह से फंसा पाती है। एक तरफ विक्टोरिया उसके खिलाफ हो गई और दूसरी तरफ यहाँ पागलों के बीच रहकर वो सच में पागल हो जाएगी। जॉन उसे कभी यहाँ से रिलीज नहीं करेगा और कोई चारा ना होने पर अपने अगले मीटिंग में एमिली जॉन से डील करती है कि वो उसे सारा सच बताने को तैयार है और विक्टोरिया को जेल भेजने में भी उसकी मदद कर सकती है, जिससे उसे उसकी लाइफ फिर से मिल जाएगी अगर वो उसे यहाँ से निकाले तो। और यहाँ अब मूवी का मेजर प्लॉट का खुलासा होता है। एमिली बताती है कि उसने जॉन से पैसों के लिए शादी की थी और जब ये सब उससे शर्मिंदगी तरीके से छीन लिया गया तब से वो मार्टिन से कट्टर नफरत करने लगी। इसी डिप्रेशन में काउंसलिंग के लिए उसकी मुलाकात डॉक्टर विक्टोरिया से हुई, जो खुद भी अपनी बेवफा पति की शिकार थी। दोनों सून एक दूसरे के लिए सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। एमिली विक्टोरिया को अपने पति से सीखे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में सिखाती है। वहीं विक्टोरिया एमिली को डिप्रेशन कैसे फेक करते हैं और कौन सी मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट्स है के बारे में सब बताती है। दोनों फिर पूरा प्लान बनाते एब्लिक्सा के साइड इफेक्ट्स का फायदा उठाने का, ताकि एब्लिक्सा और दूसरे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट होने पर विक्टोरिया ट्रेडिंग से खूब पैसे बना सके। प्लान के अनुसार इसीलिए एमिली शुरुआत से डिप्रेशन का एक्टिंग कर रही थी। वो डिप्रेस जरूर थी पर उसकी दिमागी हालत ठीक होती है। वो एक्सीडेंट से पहले जानबूझकर अपना सामान गिराती है ताकि पार्किंग अटेंडेंट का ध्यान उस पर जाए कि वो एक्सीडेंट से पहले डिप्रेस दिखाई दे रही थी। वो जानबूझकर रेलवे स्टेशन पर पुलिस को परेशान नजरों से देखती है ट्रेन के तरफ बढ़ने से पहले, ताकि पुलिस को कुछ गड़बड़ का भनक लगे, और वो उसी पुलिस का नाम भी नोट करती है जो वो विक्टोरिया से शेयर करती है ताकि आगे उसकी गवाही काम आ सके। ऑफिस में वॉमिटिंग के बहाने से बाथरूम में जाने से पहले वो जानबूझकर अपना कॉफी का मग गिराती है ताकि उसकी बॉस उसका हाल जानने के लिए उसका पीछा करते हुए बाथरूम तक आए कि उसकी तबीयत खराब है। एक तरह से वो कामयाब हो जाती है सभी को गुमराह करने में कि वो डिप्रेशन की मरीज है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने मार्टिन के लिए भी गिफ्ट इसलिए लिया ताकि किसी का शक न आए कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं है, और एक तरह से ये भी साबित हो सके कि वो एक दिन डिप्रेशन में भटकते हुए कहीं और निकल गई, क्योंकि वो गिफ्ट उसने उसी भटके हुए लोकेशन से लिया था। एमिली ने कभी भी जॉन के प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं ली, पर एब्लिक्सा जरूर लेती, क्योंकि अगर उसकी मेडिकल चेकअप की गई तो उन्हें एब्लिक्सा का लक्षण उसके ब्लड सेल्स में मिले। रियलिटी में एब्लिक्सा उसके शरीर को कुछ असर नहीं करता। विक्टोरिया भी जानबूझकर जॉन से बार बार एब्लिक्सा का जिक्र करती है जब उससे वो पहली बार मिलती है। उसे ये भी ठीक से पता होता है कि कोर्ट को अगर ये साबित कर दिया जाए कि एमिली को स्लीप वॉकिंग की बीमारी है तो उसे सजा नहीं होगी। विक्टोरिया एब्लिक्सा मेडिसिन को इसलिए टारगेट करती है क्योंकि उसके कंपनी के शेयर्स उसके पास थे। इसके अलावा एब्लिक्सा मार्केट में नया मेडिसिन था जो कम समय में काफी फेमस हुआ और सभी को इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पता था। इसका मतलब ये कि थोड़ी भी बदनामी से इसके शेयर्स को असर पड़ सकता है, पर वो ये भी बताती है कि उनका कोई प्लान नहीं था उसे इसमें खास करके फंसाने का। प्लान के मुताबिक सिर्फ किसी साइकियाट्रिक डॉक्टर को एमिली के सपोर्ट में गवाही देना था और उसके ठीक होने के एक्टिंग के बाद उसे हॉस्पिटल से रिलीज करना था। इस तरह से एमिली मार्टिन से अपना बदला ले लेती और वहीं फिर से अमीर भी बन जाती, और इस तरह जॉन को पूरी सच्चाई का पता चलता है। जॉन शर्त के मुताबिक एमिली को अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के गवाही पर हॉस्पिटल से रिलीज करवाता है, पर इस शर्त के साथ कि उसे ट्रीटमेंट के लिए उसके क्लिनिक रेगुलरली आना पड़ेगा और अगर उसे डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दिए तो वो उसे फिर से हॉस्पिटल भेज देगा। हॉस्पिटल से रिलीज होने पर एमिली अब विक्टोरिया से अपना बदला लेने के लिए मिलती है।
और उससे पूरे प्लान के बारे में सारा उगलवा लेती है जो सीक्रेटली पुलिस सुन रहे होते हैं। और फिर विक्टोरिया भी इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में अरेस्ट कर ली जाती है। पर जॉन का मास्टर प्लान अब भी पूरा नहीं हुआ होता है, उसका एमिली से अपना बदला लेना बाकी होता है। जॉन डिप्रेशन से रिलेटेड परीक्षा खुद से गलत भरता है ताकि वो बाद में कोर्ट को साबित कर सके कि एमिली टेस्ट में फेल हो गई और उसकी दिमागी हालत अब भी खराब है। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार एमिली मजबूरी में रेगुलर चेकअप के लिए जॉन के क्लिनिक विजिट करती है, जहां जॉन उसे उकसाने के लिए जानबूझकर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जिसके साइड इफेक्ट्स के कारण हेयर लॉस या स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उसका नेक्स्ट डे टेस्ट किया जाएगा अगर उसने ये मेडिसिन सीक्रेटली नहीं लिए तो। ये सुनकर उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है और अपना होश खो बैठती है और क्लिनिक से सीधा चली जाती है। पर निकलने से पहले वो अपने किए मर्डर के बारे में बोल जाती है, जिसे बाहर खड़ी उनकी मदर इन लॉ सुन लेती है। अपने बेटे के मर्डर की सच्चाई पता चलने पर मदर इन लॉ उसे जोर का थप्पड़ मारती है, और पुलिस जॉन के बनाए झूठे रिपोर्ट और उनके आंखों देखी होश खो बैठने के सबूत पर फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। आखिरकार मूवी के फाइनल सीन में जॉन की लाइफ फिर से लौट आती है, वहीं एमिली अनडिफाइंड समय के लिए मेंटल हॉस्पिटल में कैद हो जाती है। इस मूवी को देखने के बाद एक बात खास करके हमें समझ आती है कि अमेरिका में साइकोलॉजिस्ट को कोर्ट ने कितना पावर दिया है और किस तरह एक साइकोलॉजिस्ट चाहे तो सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है, खून करने पर भी डिप्रेशन के झूठ में बरी हो सकते हैं। मूवी डेफिनेटली 7.1 की रेटिंग डिजर्व करता है, पर कमाल की बात यह है कि इस मूवी को कई अवार्ड्स में नॉमिनेट किया पर अवार्ड्स नहीं जीत सकी। साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर में ये मूवी अच्छी सिलेक्शन है, और अगर आपको और भी सेम तरह की मूवी में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करें। एक पार्ट जिसका कोई सेंस नहीं बनता, जिस बार एमिली मार्टिन को स्लीप वॉकिंग के बहाने में मारती है, क्या सच में उसे उस समय स्लीप वॉकिंग का एक्टिंग करना जरूरी था? क्योंकि मार्टिन तो वैसे भी मरने वाला था, वो उसे सीधा बिना एक्टिंग के मार सकती थी। ऐसा नहीं कि मार्टिन बाद में कोई गवाही देता कि एमिली निर्दोष है क्योंकि वो होश में नहीं थी। पहली बार का स्लीप वॉकिंग एक्टिंग बनता है क्योंकि इससे वो मार्टिन के थ्रू जॉन और बाकी लोगों को साबित कर पाती है कि उसे स्लीप वॉकिंग की बीमारी है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ ऑडियंस को सस्पेंस में रखने के लिए किया गया था। एक और मिस्टेक ये कि मूवी के फाइनल सीन में एमिली जॉन से मिलते हुए बारिश से होते हुए उसके क्लिनिक आती है, पर जब वो जॉन के ऑफिस के अंदर जाती है तब उसका अम्ब्रेला ड्राई दिखाया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अब भी मूवी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में मेंशन जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाल बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।